मुरादाबाद में मरीजों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लोग कई कई दिनों से गैस एजेंसी के प्लांट के बाहर खड़े हुए हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस तैनात कर दी है ताकि गैस की लूट न हो। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस की मौजूदगी में लोग काफी देर तक करते रहे नारेबाजी। दरअसल ये लोग सुबह से खाली सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मिलने का इंतजार कर रहे थे। इनका गुस्सा उस समय चरम सीमा पर पहुंच गया जब अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली गाड़ी वहां पहुंची और एजेंसी द्वारा उसे सिलेंडर दिए जाने लगे, जिसका विरोध वहां मौजूद लोगों ने किया। लोगों का आरोप है कि उनके मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। आइए जानते हैं ऑक्सीजन गैस के लिए परेशान लोगों से। क्या समस्या है सर? मेरे ससुर जी तो खत्म हो गए, सास सास की सांसें चल रही हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कब से ला रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं? रात के 11 बजे से यहाँ यही लाइन में खड़े हैं, तीन चार दिन से यही परेशान है। कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ मिल रही है गैस, कभी वहाँ मिल रही है गैस। आते हुए कम से कम 12 दिन हो गए सर। 12 दिन में कोई सिलेंडर नहीं मिला मुझे। मैं ब्लैक से लेकर जाता हूँ यहाँ से सिलेंडर, मैं कभी कोई देता है सर 2200 में 2300 में दो सिलेंडर दिए जाते हैं सर। अंदर पब्लिक देती है, अंदर जो लेबर है वो देती है, सेटिंग बना लेते हैं, दे देते हैं। अब ये हो गया, क्या कहते हैं कि अब नहीं है सर, हम मजबूर हैं सर, किसी भी तरीके से तो सिलेंडर हासिल करेंगे। अब लोग कहने लगे कि हम ब्लैक से ले रहे हैं, हमारी गलती क्यों है? जब तुम एक नंबर से नहीं दे रहे तो ब्लैक तो हम लेंगे। और सर कोरोना पॉजिटिव अगर रिपोर्ट नहीं है तो जिसको कोरोना नहीं है तो वो जिएगा नहीं, मर जाए वो? जो जिसको कोरोना सिर्फ वही जी सकता है क्या? अब तो पहली गाड़ी जा रही है, दूसरी बार जा रही है गाड़ी भाई साहब, दूसरी बार। तुमने देखा है? कब देखा है? 4:30 बजे का आए हुए हैं इस जगह और हमें सिलेंडर एक मिला। हमारी बहन का लड़की बीमार है, चूतिया बना रही है, पूरी बार गई हो, स्लिप दे दो। स्लिप यूपी सिटी न्यूज़ जुड़ी उत्तर प्रदेश से।